640 और 600 के आसपास इंडेक्स में देखने मिल रहा है, तो उस सपोर्ट से वापस एक बाउंस बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। और आज की जो एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी में निफ्टी 15,750 और 40 के आसपास एक्सपायर हो सकती है। तो मुझे लगता है ओवरऑल जाते जाते यहाँ पे पॉजिटिवली रुझान देखने मिल सकता है। सेम मुझे बैंक निफ्टी में भी लग रहा है, बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो 34,600 के आसपास था, तो वो सपोर्ट के यहाँ से ही हमने देखा है कि आज वापस थोड़ी सी रिकवरी आती है देखने मिली। हालांकि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम जाते जाते देखने मिल सकता है। तो एंड ऑफ द डे में हमें एक पॉजिटिव साइड एक क्लोजिंग आते हुए देखने मिल सकती है। ऑल राइट, ये राइट फिलहाल हमें मिलते हुए। हमारे साथ हमारे पहले व्यूवर शुभाजीत दत्ता जी जुड़ गए हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं शुभजीत दत्ता कलकत्ता से बोल रही हूँ। हेलो जी, हेलो। बताएं। हाँ सर, मेरे दो सवाल है। मैंने हेडेलवाग 276 में 500 शेयर लिए थे। हाँ, तो अभी तो फिलहाल गिरा है। और RVNL 1000 शेयर लिए थे 33.41 में। ठीक है। हाँ, ये दोनों शेयर अभी फिलहाल हाइडलबर्ग और RVNL। शुभजीत जी, हाँ, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, ये आपने लंबी अवधि के लिए ले रखे हैं या फिर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है आपका? ये तो मैंने ये लंबी अवधि के लिए लिया था, या दो ठीक हफ्ता है, हुआ है ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस हाइडलबर्ग। ठीक है, 276 के एंट्री लेवल्स आपने बताए और 253 यानी आपकी खरीद के आसपास ये स्टॉक में ट्रेड हम देख जरूर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सीमेंट स्पेस में लगातार एक्शन है और आपने सीमेंट सेक्टर से ही जुड़ा मिड कैप सीमेंट स्पेस की एक कंपनी हाइडलबर्ग सीमेंट को चुना है। एक्सपर्ट से एक बार जानेंगे कि इसके टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं, आपको टारगेट स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना चाहिए। हालांकि पिछले एक महीने में स्टॉक कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया है, पिछले 6 महीने का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, लेकिन 6 महीने में भी महज 20% तक की ही तेजी स्टॉक ने पकड़ी है। RVNL, इस स्टॉक में आपने खरीदारी की है और इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस अगर देखें 32.55 रुपए पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। विकास, दोनों ही स्टॉक लंबी अवधि के लिए ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, इनके लिए राय क्या होगी? देखो, वैसे सीमेंट सेक्टर में आज हिसाब से मोमेंटम देख रहा है हेडलबर्ग में, मुझे लगता है पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, लेकिन इसमें 254 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो वहां से एक मोमेंटम इस काउंटर में बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। हालांकि लास्ट हमने देखा है, लास्ट 2-3 महीने में ये साइडवाइज मूवमेंट कर रहा है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 246-45 के आसपास एक सपोर्ट बना चुका है, तो इसी रेंज में चल रहा है। जैसे ही ये 254 ब्रेक करेगा तो एक वापस 265-67 के आसपास जा सकता है, तो उसको होल्ड करके जाने की राय रहेगी। अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो 246 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूंगा। RVNL में मैं चाहूंगा कि होल्ड कीजिए। देखो, लास्ट हमने देखा है कि कुछ दिनों में एक बड़ा मोमेंटम, बड़ा स्पाइक आते हुए देखने मिला था, वापस ओवर सोल्ड जोन और बॉट जोन से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। 32 के आसपास एक सपोर्ट जोन बन चुका है, तो मुझे लगता है वापस यहाँ से मोमेंटम करेगा, लेकिन उनका जो होरिजन है उसको 1 से 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वापस 34 के ऊपर निकलेगा तो ऊपर में 39-40 के रेंज में काउंटर जा सकता है, नीचे में 32-31 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो इसको भी होल्ड करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये राय फिलहाल पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस आपको मिलती हुई दिख रही है। हमारे साथ प्रफुल तलाटी पुणे से जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रफुल जी, अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मेरे पास के रेटिंग का 400 शेयर एट द रेट 715 715 एंड नालको 1000 शेयर 36। ठीक है, तो क्या होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं नालको में? ठीक है, ठीक है, दोनों में ही मुनाफा है। नालको 70.45 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, आपकी खरीद से डबल होता हुआ, आपने 36 के आसपास की खरीद की है। साथ ही एक और शेयर जो आपने बताया केयर रेटिंग 715 के एंट्री लेवल 743.50 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। विकास, दोनों स्टॉक्स में मुनाफा तो ये देख रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ से और ज्यादा तेजी आती हुई दिखेगी, क्योंकि इनकी खरीद से थोड़े से दोनों ही स्टॉक्स चढ़ते हुए दिखे हैं, क्या और तेजी के अनुमान है?
देखो केयर रेटिंग होल्ड कर सकते हैं, एक तो ओवरबॉट में गया है लेकिन ऊपर में मुझे लगता है कि 780-790 के टारगेट में अभी भी इंटैक्ट है। नीचे में इसको 710 के आसपास एक सपोर्ट बना चुका है, तो 710 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि ओवरबॉट में है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, बट एक बड़ा मोमेंटम अगर आता है तो ऊपर में प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए, तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है होल्ड कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। थोड़ा सा लास्ट हमने देखा है कि ये लास्ट वन मंथ में एक साइडवाइज मूवमेंट देखने मिला था, ऊपर में 78 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, बट नीचे में इसमें ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे, नीचे में वापस से सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है 68-66 के आसपास, तो इसको होल्ड कीजिए 66 से स्टॉप लॉस से, और ऊपर में जैसे वापस 74 ब्रेक करता है तो ये वापस 80-82 के रेंज में आ सकता है, तो इसको लॉन्गर टर्म के लिए भी होल्ड करके जा सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 660 का लगाए। ठीक है, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। धर्मेंद्र गोस्वामी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार, अपना सवाल पूछें। नमस्ते मैडम, हेलो, नमस्ते मैडम जी। हाँ, ये मैंने आरपीएफ लिए हुए हैं 78 के रेंज में 2000, इसको सेल करना है या रखना है मैडम, होल्ड करना है या रखना है? ठीक है, आपकी खरीद से 8 रुपए ऊपर गया है, 86 रुपए के पास ये ट्रेड कर रहा है आरसीएफ। विकास क्या राय देंगे? आज तो वैसे गिरावट इस स्टॉक में हम देख रहे हैं, ऊपरी स्तरों से नीचे टूटता हुआ, लेकिन फर्टिलाइजर स्टॉक्स के भी अपने अपने टाइम होते हैं, और जैसे मॉनसून सीजन शुरू होती हुई दिखी है, फर्टिलाइजर स्पेस में भी एक मूवमेंट बिल्ट हुई है और एक्शन भी इन दिनों हमने देखा है, क्या लगता है यहां से और तेजी आती दिखेगी? इनकी खरीद किस तरह अराउंड 76 के हैं? जी हाँ मंसी, देखो अगर वीकली चार्ट देख रहे हो तो ये वीक में उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, प्राइस ब्रेकआउट उसके साथ में देखने मिल रहा है। वीक के शुरुआत में 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 85 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से आगे एक बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिल सकता है। जैसे ये 88 के ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है वापस जो रिसेंट हाई बनाया था 100 के आसपास का, उसके तरफ निकलते जाएगा, तो मुझे लगता है होल्ड करने की राय रहेगी। नीचे में 80 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो सपोर्ट से इसको होल्ड कीजिए, जैसे 88 करते तो वहां पे भी एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वो ब्रेकआउट होने के बाद 100 के आसपास के लेवल्स इस काउंटर में 1 से 2 वीक में आते हुए देखने मिलेंगे। ठीक है, ये राय दोनों ही ये राय आपके स्टॉक पर आपको मिल चुकी है, पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। 100 तक के लेवल्स ये जाता हुआ दिख सकता है, फिलहाल 86 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड, एक बार 100 के लेवल्स देखते हैं, फिर से रिव्यू कीजिए उन लेवल्स पर, एक्सपर्ट क्या बताते हैं उस हिसाब से अपनी कॉल आप ले सकते हैं, अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें। पच्चीस सालों का एक साथ इतिहास लिखने का ख्याल कैसे आया? तो हम बोले कि भाई चलो एक ऐसी स्टडी करते हैं, ये देखें कि पिछले 5 साल में किसने पैसे कमाए और क्यों कमाए, वो कंपनी क्या है, तो उसी कारण से हमने ये स्टडी चालू की। जब ये फॉल इतना तेजी से आता है, हाँ, तो उस समय अपने आप को मजबूत कैसे रखना है? फॉल इज टेम्पररी, अप इज परमानेंट। तो आप वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? वैल्यू इज व्हाट यू गेट, प्राइस इज व्हाट यू पे। करेक्ट, ये फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा, वैल्यू एंड प्राइस आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि बाजार में आपको कई चीजें बहुत सस्ती मिलती है और कई चीजें, और वही सस्ती चीजें कुछ दिन के बाद बहुत महंगी बिकती है। करेक्ट, उसी का मजा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। BLS इंटरनेशनल का दावा है कि कोरोना काल के बावजूद उसके पास क्षमता से ज्यादा मांग आ रही है। न्यूज पर व्यूज में मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी के पास मौजूद कैश का इस्तेमाल अधिग्रहण और डिविडेंड पर हो सकता है। आइए देखते हैं। क्या खास वजह रही है इस तिमाही के दमदार रिजल्ट्स के पहले? देखिए, BLS इंटरनेशनल जैसे आप जानते हैं आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी 3 कंपनियों में इस बिजनेस के अंदर है और अकेली इंडियन कंपनी है। हम लोगों ने इस लास्ट क्वार्टर के अंदर जो 145 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 23 करोड़ का एबिटा करा है, इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है कि हमारी कॉस्ट पूरे पिछले साल में कम हो जाए, जिसके चक्कर में मार्जिन भी हमारा बड़ा है, हमारा थोड़ा बिजनेस खुलना स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्वार्टर में हमारा सिटीजन सर्विस यूपी पंजाब गवर्नमेंट के लिए हम काम कर रहे थे और जो हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल का काम कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, उसमें बहुत तेजी दिखी गई है। लोगों को इस दौरान, लोग नहीं चाहते कि सेंटर में आके एप्लीकेशन दे, सब चाहते हैं कि कोरियर सर्विस या वैल्यू एड सर्विस लिए, इसके लिए इस वजह से हमारा प्रॉफिट में भी बढ़त दिखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन तिमाही अब तक की रही, लेकिन फिर से अभी कोविड की सेकेंड वेव है, थोड़ी ट्रेवल कम है इस वक्त, इंटरनेशनल ट्रेवल तो नहीं के बराबर है, तो क्या अगले 1-2 क्वार्टर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा? किस तरह का अनुमान आप लगाकर चल रहे हैं पहले 6 महीनों के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के और आगे के 6 महीनों के लिए आज से? देखिए, आज अगर हम बात करें तो हमारे ऑफिसेज वर्ल्ड ओवर जहां पे हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आती है उन कंट्रीज में रशिया, चाइना, अफ्रीका में खुलने शुरू हो गए हैं और हालत यह है कि जितनी हमारी ऑफिस की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक हम एक कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते, हमें लोगों को मना करना पड़ा है, इतनी डिमांड आ रही है। तो रिवेंज टूरिज्म और पेंटअप डिमांड की कोई सीमा नहीं रह गई है। इंडिया में अभी थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में जैसे हम देख रहे हैं, पर वो भी हमें लगता है और 1-2 महीने के अंदर सब वहां पे भी शुरुआत हो जाएगी। तो बात करें पूरे दुनिया की तो BLS इंटरनेशनल जिन कंट्रीज में अपने ऑफिस चला रहा है, जैसे हमने अभी नए कॉन्ट्रैक्ट जीते थे पोर्चुगल गवर्नमेंट रशिया में या ब्राजील गवर्नमेंट चाइना में, तो वो सब ऑफिस हमारे खुलने शुरू हो गए हैं, स्पेन गवर्नमेंट के भी खुलने शुरू हो गए हैं। तो हमें लगता है कि ये साल हमारे लिए, हम लोग टारगेट करेंगे कि 2019 लेवल में जो हम लोगों ने अचीव करके दिखाया था, तो हम लोग इतनी मेहनत करें कि इस बार उधर तक पहुंचे। विकास जी, बुलेटिन खत्म करने से पहले आपके टॉप रेकमेंडेशन आज के लिए हम जानना चाहेंगे। विकास जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके रेकमेंडेशन आज के लिए हम जान पाएंगे। ठीक है, चलिए, विकास जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उनकी टॉप रेकमेंडेशन में SH केलकर का स्टॉक है। SH केलकर में विकास जी की तरफ से खरीदारी की राय यहां पर आती हुई दिख रही है। टारगेट और स्टॉप लॉस जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखेंगे। इस स्टॉक में करीब 6% तक की तेजी देखी जा चुकी है। 171.50 रुपए के ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 180 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर विकास की तरफ से खरीदारी की राय SH केलकर के स्टॉक में यहाँ आप करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है प्रिज्म जॉनसन विकास की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं, खरीदारी कीजिएगा। और करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें, ये 131 के लेवल पर ट्रेड करा है, 145 तक के टारगेट्स तक जाता हुआ दिख सकता है, तो यहां से और ज्यादा 15 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। खरीदारी का मन प्रिज्म जॉनसन में बनाकर चल सकते हैं। तो SH केलकर, प्रिज्म जॉनसन विकास जी की तरफ से। विकास जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मिड कैप बाजार में इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे मार्केट रडार, आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं।
प्रस्तुतकर्ता कोरोनिल, कोरोना की प्रथम रिसर्च व एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन। प्रायोजक मैदा ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल रहे पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। फूलों के पराग प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स, सर्च agrawalpackers.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स DRS ग्रुप, लीफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300300। स्टर इम्यून CDZ, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम विद विटामिन CD एंड जिंक बाय स्टेरिस हेल्थ केयर। वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स, जनाब आपको क्वालिटी चाहिए तो सिर्फ वेम्बले पेंट्स ही लगाइए। और आईसी कूल, इंडिया का सबसे ठंडा पाउडर। दमदार फंडामेंटल के दम पर BF यूटिलिटीज 13% उछला। जी बिजनेस की शानदार रिसर्च का SIP स्टॉक। और प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अटके प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक। कोयला, परिवहन, ऊर्जा, टेलीकॉम और पेट्रोलियम समेत कई मंत्रालय होंगे बैठक में शामिल। नमस्कार, मार्केट रडार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। इस शो में आखिरी दो घंटे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स अभी जानेंगे और साथ ही खबरों के दम पर कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, खबरों के चलते जिस स्टॉक्स में मूवमेंट है उस पर क्या करना है विस्तार से आपको हम बताते हैं। शुरुआत बाजार की बड़ी बातों के साथ कर लेते हैं। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन ट्रेड हम देख रहे हैं। निफ्टी में हम देख रहे हैं फिलहाल लाल निशान के साथ कारोबार है जरूर, लेकिन निचले स्तरों से जहां पर गिरावट काफी ज्यादा होती हुई दिख रही थी, करीब 100 अंकों की यहां पर सुधार के साथ निफ्टी में फिलहाल 15,725 के पार ट्रेड देखने को मिल चुका है, यानी कि अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश निफ्टी का इंडेक्स करता हुआ। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट जरूर आप देखेंगे, लेकिन वहां पर भी जहां बिकवाली हावी होती हुई दिख रही थी, थोड़ा थोड़ा यहां पर सुधार आता हुआ देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की रिकवरी देखी जा चुकी है, हालांकि लाल निशान के साथ अब भी वहां पर ट्रेड है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझने की अगर कोशिश करेंगे, मेटल, ऑटो, बैंक शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, पर्टिकुलरली निजी बैंक क्षेत्र और साथ ही अब तो सरकारी बैंक क्षेत्र में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिख रहा है। बाजार को संभालने का काम कौन कर रहे हैं, FMCG और IT शेयर। खरीदारी यहां पर है, FMCG इंडेक्स 0.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं IT इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक तेजी का मूड जो है वो कायम है, लेकिन मेटल, ऑटो और बैंक शेयर्स गिरावट का रुझान दिखाते हुए। सीमेंट स्पेस और टेक्सटाइल स्पेस गिरावट भरे बाजार में भी लगातार एक्शन में है, तो वहां से भी कह सकते हैं कि बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स करीब 120 अंक की गिरावट फिलहाल दिखा रहे हैं और यूरोपीय बाजार की शुरुआत की अगर बात करें
शुरुआत कमजोरी के साथ करीब आधे प्रतिशत गिरावट पर होती हुई दिख रही है। तो ये तो हुई बाजार की पांच बड़ी बातें, लेकिन वीकली एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी को देखते हुए जानकारों का पोल हमने कराया और वीकली एक्सपायरी पर जानकारों का क्या मानना है बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं वीकली एक्सपायरी को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून मानसी, देखिए जानकारों के सामने हमने निफ्टी के लिए 15650 से लेके 15900 की जो है रेंज रखी और विकल्प दिए, पर इसमें से अगर आप देखें तो 58% बाजार के जानकार जो हैं ये मान रहे हैं कि 15750 से लेके 15800 के बीच में आपको एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, और 42% बाजार के जानकार ऐसे हैं जो हल्की गिरावट या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो मौजूदा स्तर है इसके आसपास ही जो है एक्सपायरी एक्सपेक्ट करें, यानी 15700 से लेके 15750 के बीच में जो है जानकार मान रहे कि यहाँ पर आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक के स्तरों की बात की जाए तो आप देखिए निफ्टी बैंक में तो काफी तेज गिरावट देखने को मिल गई है, लेकिन बाजार के जानकारों से थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी तब करीब 57% थोड़ी सी रिकवरी को बैठ कर रहे थे, यानी 34600 से लेके 34900, और आशावादी थी कि अंत में अगर आप देखें तो थोड़ा सा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। 28% ऐसे थे कि 34900 से लेके 35100 की रेंज बता रहे थे, और बाजार के जानकारों का ये भी कहना था कि 35100 थोड़ी देर के लिए भी टिक गया तो 35400 तक बड़ी तेजी तक निफ्टी बैंक जा सकता है, तो यहाँ पर 15% जानकारों का भरोसा है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा मानसी तो जो बाजार के जानकार है रिकवरी पर बैठ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो जानकार जो बाजार के हैं रिकवरी पर बैठ कर रहे हैं। आशीष, शुक्रिया जानकारों का मत ये वीकली एक्सपायरी पर हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट रडार में बाजार में स्ट्रेटजी और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड के जय ठक्कर जुड़ गए हैं। जय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज वीकली एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल सेशन है, बचे हुए दो ढाई घंटे, इनफैक्ट बचे हुए दो घंटे अब बाजार के लिए आपको कैसे लग रहे हैं? हाई, गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। मानसी, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए मैंने मॉर्निंग में भी यही कहा था कि एक बाउंस बैक हमें मार्केट में देखने मिलेगा और जो देखने मिला भी, इनफैक्ट निफ्टी तो एक समय पॉजिटिव में भी आ गया था मार्जिनली 2-3 पॉइंट, बट देन वो आया था और अच्छा बाउंस देखने मिला, बट यू नो वहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने मिली, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि हाई लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, मोमेंटम वीक हो चुका है। मानसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15780 ये जो रेंज है मार्केट में आज के एक्सपायरी के दिन, खास करके मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट है 15800 के ऊपर एक्सपायरी आना, एंड नीचे में मुझे ऐसा लग रहा है कि 15650-600 ये अच्छी पॉजिटिव एक सपोर्ट रेंज है, एंड वहाँ पे यू नो मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर मैं मार्केट के एक्सपायरी वाले रेंज की बात करूँ तो वह 15750-780 ऊपर की तरफ एंड 15650-600 नीचे की तरफ, ये रेंज में 100 पॉइंट 125 पॉइंट के रेंज में निफ्टी की एक्सपायरी देखने मिलनी चाहिए। एंड मैं वापस कहूँगा कि 15800 के ऊपर मैं आज की एक्सपायरी देखने नहीं देख रहा हूँ, मुश्किल लग रहा है मुझे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मानसी मैं कहूँगा कि यहाँ पे लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 35000 के ऊपर एक्सपायरी आना डिफिकल्ट है, थोड़ा 35000 पे अच्छा खासा हमें ऊपर इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, और 35000 के लेवल जब तक नहीं निकलते ओवरऑल ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा। नीचे में 34500 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये 500 पॉइंट की रेंज में आपको बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी देखने मिलेगी और बीचों बीच है रेंज के, एंड बायस थोड़ा बहुत है तो मैं कहूंगा कि नो बेयर हैव एन अपर हैंड बिकॉज मोमेंटम वीक हो चुका है। ऑलराइट, तो इंडेक्स पर तो ये नजरिया एक्सपर्ट का आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जय साथ ही गिरावट भरे माहौल में भी हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्पेस और साथ ही टेक्सटाइल स्पेस लगातार तेजी दिखाए जा रहे हैं। आज के सत्र में भी जब बाजार में कॉशस ट्रेंड चल रहा था, इनफैक्ट आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी सीमेंट और टेक्सटाइल स्पेस ने सुबह से ही दिखाई है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स इन दोनों स्पेस से जो आप चुनना चाहें? मानसी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि ओवरऑल अगर आज देखें तो अंबुजा सीमेंट ने तो आज वापस फिर से एक यू नो 52-week हाई लगाया है, और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक अच्छी रिकवरी आज देखने मिल रही है, तो सीमेंट ओवरऑल एक लाइमलाइट में है आज, अच्छा खासा हमें उधर लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप होते हुए नजर आ रही है, एंड वहाँ पे मुझे अगर कोई स्टॉक यू नो ये लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है वो है अंबुजा, बिकॉज शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊँ तो अंबुजा, जिसने कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया है, लगभग 344 का एक स्टॉप लॉस लगाए आप शॉर्ट टर्म में ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है 355-358 तक के टारगेट्स के लिए।
ओके, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है सीमेंट स्पेस और इनफैक्ट सीमेंट टेक्सटाइल दोनों स्पेस में एक्शन लगातार है, पॉजिटिव मूड माहौल आगे भी देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन चलिए, पावर ग्रिड के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आने का अनुमान लगाकर हम चल रहे हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं एक बार वरुण दुबे से जान लेते हैं। वरुण, पावर ग्रिड के नतीजों से क्या अनुमान लगाएं? देखिए, नतीजे तो ठीक ठाक रहने वाले हैं इस कंपनी के, खासकर जो एसेट के पूंजीकरण बढ़ने से कंपनी के नतीजे जो है उसको काफी हद तक सहारा मिलने वाला है। रायगढ़ उगालपुर लाइन शुरू होने से भी कंपनी को काफी हद तक फायदा मिलेगा और सरचार्ज बढ़ाने का मुनाफे में आपको बढ़त देखने मिलेगी। तो काफी सारे फैक्टर है जो कि इस कंपनी के ओवरऑल नतीजे जो है उनको ड्राइव करने वाले हैं। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यूज करीब 5.5% बढ़ेंगे, 10,244 करोड़ के आसपास आ सकता है। एबिटा 10% बढ़ेगा, तो इसी के चलते मार्जिन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होने वाली है, 83.2% से बढ़ के ये 86.6% के आसपास आ सकते हैं। मुनाफा 7% बढ़ेगा, 3,412 करोड़ के आसपास ही आ सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको नज़र रखनी है, खासकर केपेक्स और पूंजीकरण के ऊपर क्या गाइडेंस देती है, नए अवार्ड्स के ऊपर आउटलुक क्या होता है और टीबीसीबी प्रोजेक्ट्स का आउटलुक क्या है, वो इस कंपनी से जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं नतीजे जो है वो तो इस कंपनी के काफ़ी ठीक ठाक आने वाले हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो कि इस कंपनी के जो नतीजे हैं उसको ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही साथ नतीजों के आपको ये कंपनी बोनस शेयर के ऊपर कहीं ना कहीं विचार करने वाली है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फिगर है जिसके ऊपर नजर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक ठाक नतीजे कह सकते हैं, एक मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स आने के अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। पावर ग्रिड ऑफकोर्स जय, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, आप यही कहेंगे कि व्यू को यहाँ पर रिव्यू मोड पर ही स्टॉक में डालना है, लेकिन साथ ही पावर ग्रिड के टेक्निकल्स आपको ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस कैसे लग रहे हैं? सी वेल, ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखे यू नो मानसी, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली यू नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। इनफैक्ट सारी पावर स्टॉक तो बहुत ही अच्छे एक मोमेंटम में है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बने रह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन डाउन साइड 210 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यू नो, एंड जब तक वो होल्ड करता है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हमें 300-350 की रेंज देखने मिल सकती है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म यानी कि 12-18 महीने का ये आपको मैं व्यू बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसमें किसी ट्रेड लेना है तो मैं कहूँगा ये स्टॉक नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम वीक है शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तेजी की पोजीशन ना बनाए। और ये जो भी डिप देखने मिल रही है अगर आप उसमें खरीदी करना चाहते हैं तो केवल लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको सूटेबल है। आई मीन देखिए, आप 209-210 के आसपास सपोर्ट है और 300-350 के रेंज में ही आ सकता है। ऑलराइट, तो ये राय फिलहाल पावर ग्रिड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस हमें मिलती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही शुगर सेक्टर पर एक बार आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी जय, बिकॉज इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से अभी अभी ताजा खबर आती हुई दिख रही है कि शुगर यानी कि चीनी का उत्पादन जो है 2.7 करोड़ टन से बढ़कर 3.07 करोड़ टन पर जाता हुआ, सालाना आधार पर कह सकते हैं कि करीब 2.7 करोड़ से 3 करोड़ पर उत्पादन जाता हुआ दिखा है। तो ये जो बढ़त है शुगर स्पेस, ऑफकोर्स न्यूज बेस इम्पैक्ट कुछ दिनों के बाद इसका दिख जरूर सकता है, लेकिन आज के सत्र में जो ज्यादातर हम शुगर स्टॉक्स की बात करते हैं या फिर लगातार आप एज अ एक्सपर्ट कॉल जो शुगर स्टॉक्स बताते हैं, अच्छी बात है कि ये है कि यहां पर गिरावट उन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो जैसे दालमिया भारत, बलरामपुर चीनी, मवाना शुगर, ईआईडी पैरी, क्या कहीं पर एक बार इन्वेस्ट करने का नजरिया बन रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी यहां पर? बिल्कुल, आंध्रा शुगर नो मानसी, मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है और मुझे ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तो अच्छा ही लग रहा है, यानी कि 6-12 महीने के लिए तो अच्छा ही लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर 12-18 महीने या ज़्यादा के टाइम के लिए देखें तो आंध्रा शुगर मुझे एक ऐसा स्टॉक लगता है जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक रेंज में से ब्रेकआउट आया था। इनफैक्ट काफ़ी दफ़े मैंने इसको रेकमेंड भी किया था आपके चैनल पर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट मैं कहूँगा सारे टाइम्स इसके टारगेट्स आ चुके हैं जब तक मैंने रेकमेंड किया था। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है 650-700 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई डिप आती है तो ये स्टॉक को सपोर्ट मिलेगा 400-410 के रेंज में, इसको जरूर खरीदना चाहिए डिप अगर आती है तो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लगभग ये स्टॉक में 500-550 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये ऐसा एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि पूरे शुगर पैक में जो हिसाब से रैली देखने मिली है उसमें काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है मैंने देखा है एंड टेक्निकली भी अच्छा ही लग रहा है।
ओके, तो आंध्रा शुगर इस स्टॉक पर एक बार जरूर नजर बनाएं, और गिरावट में यहाँ पर मौके भी बन रहे हैं, एक बार खरीदारी के बारे में जरूर सोच के आप चल सकते हैं। आज के सत्र में 438 के लेवल्स पर आधे से 1% तक की बिकवाली यह स्टॉक फिलहाल देख रहा है। लेकिन चलिए, केमिकल सेक्टर पर म्यूचुअल फंड बुलिश है और इसके पीछे की वजह क्या है, आशीष हमें बताएंगे। आशीष बताएं, केमिकल सेक्टर पर म्यूचुअल फंड क्यों बुलिश है और क्या कह रहे हैं म्यूचुअल फंड इस सेक्टर को लेकर? बिल्कुल मानसी, देखिए स्टॉक में जो पूरा सेक्टर, इसमें तेजी भी काफी बढ़िया देखी गई है पूरे सेक्टर को। जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना है, उसके चलते पूरे सेक्टर को बढ़िया फायदा भी देखने को मिला है। और इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में जो चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, उससे भी जो इंडियन कंपनीज है, इनके जो एक्सपोर्ट के मौके हैं वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो कंपनीज है, क्योंकि डिमांड काफी बढ़िया आ रही है ग्लोबली, कंपनीज जो है, ग्लोबल प्लेयर्स जो है, भारत की कंपनियों से अब चीजें सोर्स कर रहे हैं।